जी जाती है एक मदद घर बनाने में, जलाने वाले मिनट में बस्ती जला देते हैं। और आज वो पता लग रहा है एक घर बनाना कितना मुश्किल होता है, और इन लोग ने एहसास करवा दिया हम लोगों को। आप पैसे दे घर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी आपके ऊपर बैठा है बाज की तरह, आपका पैसा खाने के लिए। बिल्डर, गवर्नमेंट, बैंक, किसी ने क्वेश्चन पूछा था बैंक क्या चेकिंग करता है, क्या टेक्निकल बैकग्राउंड चेक करता है वो। Let me tell you, they all are damn businessmen. They are not here to provide you loan. They are not here to give you support. They are not here to provide you the support to get your home. They are here to suck your blood. वो जो की तरह आप मुंह चूसेंगे, चाहे वो बिल्डर हैं, चाहे वो बैंक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है। पैसा दिया बैंक ने, दिया बिल्डर को, बिल्डर ने दिया गवर्नमेंट को, किस दे रहे हो आप और मैं वहां। और हम समझ रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो ट्रैश में डाल देंगे। यू आर अगेन ग्राउंड जीरो, जहां चालू किए थे वहीं घूम रहे हो आप। क्योंकि हरियाणा का इतिहास है साइलेंट प्रोटेस्ट काम नहीं आता, और ये हमारी प्रॉब्लम है। हम बदकिस्मत से बहुत पढ़े लिखे हैं, और हमें तमीज हमारे पेरेंट्स से सिखाई है, बेटा जिंदगी में हर काम प्यार से करो। और हम प्यार से इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, प्यार से लुट रहे हैं, प्यार से बेवकूफ़ बन रहे हैं, और प्यार से आप बैठे हैं क्या लेकर क्या। और इनके ऊपर रत्ती भर भी शिकर नहीं है चैरिटी। तो वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटजी। मिस्टर धीरज फाइट कर रहे हैं नेट के ऊपर, मीडिया में हमने डाल दिया, और लेट मी टेल यू, देयर द बिगेस्ट बेशर्म ऑन द प्लेनेट। इन्होंने एक लैंड ली,
बारतला की लैंड लैंड थी, कोई दूध वाला है, आई डोंट नो यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस बिल्डर्स और नॉट, कोई कपड़े बेचता था दिल्ली के रोड के ऊपर, कोई साइकिल में चाय बेचता था, दादाजी मर गए, जमीन दे गए, एक मॉल बना दिया और पढ़े लिखे बेवकूफ वहाँ पे आ गए रोज शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज हम इसी टाइम पास करते हैं। और उस एक प्रोजेक्ट की रेवेन्यू से इन लोगों ने एक लैंड ली मिट्टी के भाव, प्रॉमिस की दुकान खड़ी कर दी, सब चीज सही होगी, पैसा दिया, हमारी फैमिली ने सब इश्यू कर दिया, हम घर में ये बेड लगाएंगे, ये सोफा लगाएंगे, पता लगा रोड पे आ गए, जो बेड हो बिक गया। और इन बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट को बेचा, उसकी फंडिंग से दूसरा प्रोजेक्ट खरीदा, पता भी नहीं चला, हमारे पास कोई कंफर्मेशन लेटर भी नहीं आया था कि हमारे पास कोई कंफर्मेशन लेटर आया हो, कैंसिलेशन लेटर भी हमारे पास रिसीव नहीं हुआ, कोई रिसीविंग नहीं है, क्योंकि उसको रिसीविंग पेपर भी नहीं है कि ताकि आपकी साइन एंड ऑल कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जो पेमेंट हम जो मांग रहे हैं वो कह रहे हैं तुम्हें जो मीडिया में डालना कर लो, जिस ऑप्शन के पास जाना कर लो, कुछ नहीं हो रहा, वो सिंपल सी बात करते हैं। और उन्होंने बदतमीजी की रिसेंटली, अभी उनके वजह से मंदर को डिप्रेशन की वजह से सीढ़ियों से स्लिप भी हो गई, उनको काफ़ी चोट वोट आई, वो मते मते बचे हैं। तो अब रिसेंटली अब उनके पास दोबारा भी गए 2-3 दिन पहले, तो अब जाकर उन्होंने बोला कि ठीक है हम कुछ देखते हैं नहीं, अभी तक उन्होंने कुछ फाइनल रिटर्न कंसेप्शन नहीं दिया है कि हम देंगे सेटलमेंट देंगे, वो इतना कहते हैं कि हमने डीलर को इतना कमीशन दिया है तो हम कमीशन काट के देंगे आपको, और ये तो कमीशन में हमारा क्या रोल है, हमने तो नहीं कहा था कि आप डीलर को थ्रू दो या डीलर के थ्रू इतना कमीशन दो, हमने तो आपको इतनी पेमेंट की है जो आप गॉट डीलर से पूछी थी, फिर भी वो पेमेंट करने को तैयार नहीं, तो जैसे जैसे हम उनसे फाइट कर रहे हैं, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई इसका कोई रेजोल्यूशन अब तक नहीं निकला है जो हमारी पेमेंट है। और वो फ्लैट के बदले फ्लैट भी नहीं देना चाहते, ऐसा रहता है, तो कहते हैं अगर आपको फ्लैट है आपको चाहिए, हमने आपको फ्लैट तो सेल कर दिया, आपको नए नए रेट पर अपना वो करना पड़ेगा जी, ये किया जा रहा है, वो फ्लैट भी पीछे से दे चुके हैं और हमें कोई कन्फर्मेशन भी नहीं आता। जब तक आप एग्रेशन नहीं दिखाओगे, आप दिखाओगे नहीं, और परेशान बिना हुए तो आप भी तो नहीं बचेगा, आप दिखाओगे आप बहुत ट्रबल में हो, आपका पेशेंस जो है खत्म हो चुका है, 2 साल से 2 साल पहले डेट थी, 2 साल ऊपर हो चुके हैं, इज द टाइम नीड टू गिव देम, आई डोंट नो हाउ मेनी काइंड ऑफ गाइड आर देयर, किसका है और उनको पता होगा या आपको पता है वो पता नहीं चल रही है। आइडिया तो यही है कि अब थोड़ा सा मतलब वी आर इन जीरो, आई मीन आर रिस्पॉन्स इन जीरो, आवर एपेटाइट इज मालो जस्ट वन, वी वांट टू ऐड अ प्लस 1 or 5 to 5 एक्सेशन इन दैट, आई नो सबका फोटे नहीं है बट थोड़ा सा गुस्सा दिखाना पड़ेगा, जो अंदर हमारे भरा हुआ है उसको बाहर आना पड़ेगा, उसको भी इस तरीके से भी हम किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ, किसी को हर्ट ना करें, डिस्टर्ब ना करें, बिकॉज आई नो अगर जान लगा लेते लोग हम खुद